गुड मॉर्निंग गाइस, आप सबको, आप सभी लोगों को जय माता दी। आज नवरात्रा का सातवां दिन है तो आप सभी लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। और मैं अभी नीचे वॉक करने आई हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद आए हैं और मतलब अभी ना ओस पड़ना स्टार्ट हो गया है, कहा ग्रास जो है ना सब देखो एकदम गीली है, एकदम गीली, तो बिना शूज का वॉक नहीं कर सकती हूँ, मतलब पैरों में ये हो रहा है, मतलब पानी पूरा। तो एक्चुअली अभी थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, फिर घर जाके काम है। और आज तो संडे है तो संडे का मज़ा ले रहे हैं, वीकेंड मना रहे हैं। और मैं नीचे बार बार देख रही हूँ ना, इतनी जो गीली गीली घास है ना मेरे जूता में, जूता मेरा चिपक जा रहा है, पता नहीं क्यों। मेरा देखो कहीं कहीं पे पूरा गीला है, और ये पेड़ है ना, इस पेड़ पे ना बहुत सारी छोटी छोटी चिड़िया हैं जो पता ही नहीं चल रही है, इतना कलरफुल चिड़िया है ना ये वाले पेड़ पे, और एकदम मतलब एकदम ग्रीन, एकदम ब्लू, बहुत ही प्यारा चिड़िया है, मतलब बहुत ही प्यारी चिड़िया है। तो फिलहाल अभी सुबह के बज रहे हैं 8, मैं अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ, और अब मैं एक्चुअली मैं 40 मिनट कर चुकी हूँ वॉक। और ये देखो आन्या और सौरभ वॉक कर रहे हैं, आन्या राउंड राउंड कर रही है। ये देखो भाई रात में हुआ ये पूरा, ओह ये देखो यार इधर ही भीड़ आ दिया, इधर ही भीड़ दिया, ओह ये देखो, ओहो ये क्या हुआ, रात में इधर से आया, हाँ उधर से मारा, उधर से घूमा, फिर इधर आ गया। ये देखो कैसे गाड़ी का शीशा फूटा हुआ है, ओ बट ये शीशा जो गिरा हुआ है किसका है, इस गाड़ी का? अच्छा ये रेसिडेंशियल वेलफेयर वाले लोग का पूरा पूरा फोड़ ही दिया है, बट कैसे चलाया यार, उधर से घूमा फिर इधर से यू टर्न मारा तब इधर आके भेड़ दिया। हाँ वेरी सरप्राइजिंग, हाँ इट इज वेरी सरप्राइजिंग, समबडी कम्स फ्रॉम देयर, देयर इज अ बैरिकेड ऑलरेडी देयर, ही हिट्स देयर एंड देन ही टेक्स अ यू टर्न एंड देन ये इधर आता है। बताइए कब का बात है, कितने बजे का है? 10:30 बजे के लगभग, तकरीबन बैठते भी हो तकरीबन इस जगह, नहीं नाइट में तो नहीं रहता, अच्छा, नाइट दिन में है, दिन में ही देखा ना इसलिए कहूं कभी। तो बंदा जब निकला होशो हवास में था या क्या था? अब ये हम तो बता नहीं सकते, कोई तो होगा ना इधर, ये सीनियर हमारे नाइट वाले छूट गए, हाँ उन्होंने मैसेज दिया होगा कैसे क्या था क्या नहीं था। अच्छा अब ये पूरी जानकारी तो हमको देना ही गए, ओके, बट ये तो बड़ा रेकलेस ड्राइविंग हुआ ना, अनसेफ है एकदम। देखिए ये हमें लग रहा था कि गाड़ी का शीशा है, एक्चुअली गाड़ी का नहीं है, यहाँ पे रेसिडेंशियल वेलफेयर वाले लोग का वो बोर्ड बना हुआ था। ये देखो कैसे गाड़ी को फोड़ा हुआ, देखो भाई साहब, प्रॉपर भेड़ा है नहीं। ड्राइविंग ये है कि इसमें रात में जो यहाँ लोग चलते हैं उनके लिए रिस्की है, हाँ ये रिस्की है ना, बहुत रिस्की है, स्पेशली ये सोसाइटी में जब आप आ रहे हो और आप आते हुए मतलब यू आर कम्प्लीटली नॉट इन कंट्रोल, यू आर कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल, और इस केस में इस तरह से कोई आए तो डर का ही बात है। ये तो सोसाइटी वालों के लिए बहुत बड़ा रिस्क है यार, सोचिए रात में यहाँ पे सब लोग टहलते हैं इस जगह से आते हुए, ये पूरा एरिया से, अब इस हालत में कोई अगर गाड़ी चला के आ रहा है, आप देख सकते हो क्या किया इस गाड़ी ने। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। अभी सुबह आपने देखा कैसे वो थार हमारे सोसाइटी में कहाँ जाके भिड़ी हुई है, और मतलब यार ये सेफ्टी कंसर्न है यार, स्पेशली कोई रात में किस हालात में ड्राइव करके आ रहा है, इधर ही टायर्ड और ड्रंक, बट इट इज़ नॉट सेफ ना, क्योंकि यहाँ लोग बच्चे बहुत सारे लोग टहलते हैं। 10:30 बजे का बात है, मतलब उस समय मेजॉरिटी लोग खाना खा के
फिर टहलने निकलते हैं। और ये तो बिल्कुल अजूबा ही चीज़ हुआ यार, ये देखो कल जो गाड़ी आई थी उसका आपको स्पीड देख के आइडिया लग रहा होगा, ये देख रहे हो। हे गाइस, तो अभी आ गए हम यहाँ पे सिंपी और अन्या के पास, और अभी हम लोग टहल रहे हैं थोड़ा घास पे, खाली पैर सुनते हैं, घास पे टहलना अच्छा होता है सुबह के टाइम पे। ओस अगर लगा हो घास पे और उस पे टहलने से कहते हैं कि आँख की रोशनी स्ट्रांग होती है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग भी निकलेंगे और अब दिन का बाकी काम जो है वो भी हम लोग अब स्टार्ट किया जाए। ये देखिए कितना अच्छा रूटीन है ना, मॉर्निंग रूटीन हंसने का। बेटा घर, धूप निकल गया ना अभी दोपहर में? नहीं मम्मी, शाम में आना। इधर नहीं मम्मी, इधर नहीं। ये देखिए दोस्तों, हाँ तो हमारा जो लॉबी एरिया जिसको रिवैम्प किया जा रहा था, ब्यूटीफाई किया जा रहा था, वो देखिए यहाँ पे फॉल सीलिंग का काम जो है इधर पूरा हो गया है, इधर भी कंप्लीट हो गया है और इधर भी कंप्लीट हो गया है। तो अब बचा हुआ है सिर्फ ये वाला इलाका। और हे गाइस, तो अभी जा रहा हूँ मैं नहाने के लिए, और नहा के अभी फटाफट करते हैं पूजा और फिर करेंगे कुछ नाश्ते की तैयारी। तो अभी आन्या के लिए डोसा बना रहे हैं और उसको डोसा काफ़ी पसंद है, बना और चलो खाओ। थैंक यू पापा। खाएगी ना? थैंक यू। हाँ जल्दी खाओ। हाय गाइस, गुड इवनिंग। और अभी शाम का बज रहा है 7 या 6:30 कुछ ऐसे ही आई थिंक। तो अभी आन्या पार्क में खेलने के लिए बहुत परेशान हो रही है, और हम लोग को मार्केट भी जाना है क्योंकि कल है महाअष्टमी, तो कुछ पूजा का सामान लेना है और मतलब कुछ कुछ है काम किचन का, कुछ बनने के लिए दिया था जैसे कुकर और ये सब, तो वो भी हमको लेना है। तो फिर चलते अभी, और बाहर ठंडक आ गया ना मौसम में, है ना? चलो आ जाओ। हाँ, सिंपी आई हुई है यहाँ पे कुछ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि कल अष्टमी का दिन है और कल मेन दिन होता है, तो शायद कल कुछ भगवान को चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है। तो अभी वो अंदर कर रही है, आन्या को भी अपना कुछ 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 अंदर बाहर करे जा रही है, देखें क्या लेके आती है, फिर चलते हैं हम लोग। और भी कुछ सामान है जो हमें ख़रीदना है, लेना है। तुम मुस्कुरा कह रही थी अंदर क्या क्या दिखा रही थी? वही अच्छा देख तो लिए। हाँ देख लिए ना। हाँ